सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। राइट नाउ मैं हूँ इंडिया के वन ऑफ द टॉप लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन कश्मीर में, और आज मैं आप लोगों को पहलगाम में रुकने के लिए जो सबसे बेस्ट रिसोर्ट है वो दिखाने वाला हूँ। पीछे यही रिसोर्ट है हीवन। आइए मैं चल के आप लोगों को पूरा टूर देता हूँ, आइए। तो ये जो आप लोग ब्रिज देख रहे हो, इसकी पार्किंग उस तरफ है, गाड़ी आपकी उधर ही पार्क होगी। बस ब्रिज से आप लोगों को चल के इधर आना है, और देन इस तरफ ये होटल है। तो गाइज, अंदर आने के बाद ये इनका स्टूडियो है, और ये हीवन में अगर आप लोग देखोगे ना, जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, विराट कोहली, शाहरुख खान, यहाँ पे सब लोगों ने स्टे किया है। देख रहे हो, अंदर आ जाओ, इस तरफ भी पिक्चर्स लगे हुए हैं बहुत सारे। इतने सारे सेलिब्रिटीज़ भाई यहीं रुके थे। मैं भाई सेलिब्रिटी तो नहीं हूँ, लेकिन रुका हुआ हूँ इसी में। इस तरफ ये है इनका रिसेप्शन, तो चलिए रिसेप्शन में चलता है। रिसेप्शन जाने से पहले ये जो आप लोग स्टेयर्स देख रहे हो, इससे आप डायरेक्ट रिवर तक जा सकते हो, और यहीं नीचे इनका इटालियन रेस्टोरेंट है। एक्चुअली दो रेस्टोरेंट है, एक इटालियन एक इंडियन। तो अभी मैं चल के आपको एक बार इटालियन रेस्टोरेंट दिखा देता हूँ, आ जाओ। तो यहाँ पे यही इनका इटालियन रेस्टोरेंट है, अंदर से काफ़ी खूबसूरत है और बिल्कुल रिवर साइड है। आइए मैं आप लोगों को अंदर से दिखाता हूँ। तो ये इनका पूरा इटालियन रेस्टोरेंट है, और इसका एम्बियंस यार काफ़ी सही है। इस तरफ आपको रिवर व्यू मिलता है, आप चाहो तो ओपन एरिया में बैठ के खा सकते हो। अंदर पूरा पैक है तो हीटर चलता है, यहाँ पे ठंड बहुत होती है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अंदर ही बैठ के आप लोग मस्त खाओ। नीचे आने के बाद आप लोग डायरेक्ट आ जाते हो एकदम रिवर के किनारे, और ये रिवर में अभी फ्लो इतना नहीं है क्योंकि गाइस देख रहे हो पीछे सारे ग्लेशियर जमे हुए हैं, बट एक्चुअली इस रिवर में काफ़ी ज़्यादा फ्लो होता है, बहुत पानी रहता है। तो यहाँ पे आके आप लोग मस्त सीनिक फोटो वगैरह ले सकते हो, काफ़ी सही एरिया है। अभी सनसेट होने वाला है क्योंकि 3 बज रहे हैं अप्रॉक्स, क्योंकि यहाँ जल्दी हो जाता है ना गाइस, 5 बजे ही सनसेट हो जाता है। बट ये देखो बहुत मस्त है, ठंड भी हो रही है यहाँ पे काफ़ी। अब मैं आप लोगों को चलता हूँ इसके लॉबी में लेके, चलिए आइए। और ये इस होटल का पूरा गार्डन एरिया है रिवर साइड। इस तरफ भी एक छोटा सा गार्डन है, उस तरफ वो रूम कैटेगरी है, नीचे स्टूडियो, और यहाँ से ये है इनका रिसेप्शन। यहाँ से भी आप लोग उतर के इटालियन रेस्टोरेंट में जा सकते हो, बाकी रिवर साइड जाके मज़े करो, यहाँ बैठ के रिवर का मज़ा लो। ऊपर सुनोगे पहाड़ दिखेंगे आपको सब जगह, तो देखो उस तरफ भी हैं, देन इस तरफ भी हैं, हर जगह ही है। मौसम यार अब काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है धीरे धीरे। तो चलिए मैं चल के आप लोगों को इसकी लॉबी दिखाता हूँ, फिर रूम टूर देता हूँ, आ जाइए। यहाँ पे इन्होंने अम्ब्रेलाज रख दिए हैं, आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, आइए अंदर चलते हैं। तो ये इनकी लॉबी है, ये देखो क्या मस्त लॉबी है एकदम, और उस तरफ रिवर है, इधर अंदर रूम होंगे। अभी पहले मैं चेक इन कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को मैं रूम टूर देता हूँ। ये यहाँ पे इनका रिसेप्शन एरिया। तो ये दोनों साइड रूम है, अंदर आने के बाद यहाँ से ये देखो, यहाँ पे ये इनका सिटिंग एरिया है, और यहीं से स्टेयर्स हैं ऊपर जाने के लिए, तो ऊपर भी जा सकते हो। मेरा रूम नीचे ही है ग्राउंड फ्लोर पे, 103। तो अभी इसके बाद मैं आप लोगों को अपना रूम टूर देता हूँ। तो रूम में अंदर आने के बाद यहाँ पे ये देखो, ये रहा अपना ड्रेसिंग टेबल, कॉफ़ी वगैरह के लिए सब कुछ दे दिया है इन्होंने। देन यहाँ रखा हुआ है टीवी, इस तरफ ये रहा हमारा बेड, देन ये सिटिंग एरिया, और अब मैं चल के व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ से ये है रिवर का पूरा व्यू, ये देखो मस्त व्यू है। तो ये रहा रूम। सो गाइज, ये होटल आप लोगों ने देखा बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ के रुक चुके हैं, और यार इस तरफ किसी भी होटल में ना स्विमिंग पूल नहीं होता है, और स्पा के लिए आप लोग ITC में जा सकते हो, क्योंकि ITC भी इन्हीं की प्रॉपर्टी है, मतलब दोनों के ऑनर सेम है, और ज़्यादा दूर भी नहीं है, इधर पास में ही है, तो बस वॉकिंग डिस्टेंस पे आप जाके वहाँ स्पा करा सकते हो। और इतनी ठंड में भाई स्विमिंग पूल लोगों यूज़ करता नहीं है, तो इधर किसी भी होटल में स्विमिंग पूल नहीं होता है। अब जो सबसे मेन बात वो होती है प्राइसिंग की, तो इस होटल के लिए मैंने कितना पे किया। एक्चुअली यहाँ मेरा 2 नाइट स्टे था, और ये होटल आप लोग अगर कभी भी चेक करोगे तो अराउंड 20 से 25 हज़ार पर नाइट का शो होगा। अगर आप लोग ये रिवर व्यू रूम लोगे तो उसके लिए आपको थोड़े ज़्यादा प्राइसेस पे करने पड़ेंगे, नो व्यू रूम लोगे तो 20K के अराउंड हो जाएगा। तो जो भी लोग पहलगाम आ रहे हो, ये होटल को ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। बजट फ्रेंडली नहीं है, लग्जरी प्रॉपर्टी है, तो आपको हायर साइड पे अमाउंट पे करना पड़ेगा इस होटल के लिए। बट हाँ, यहाँ की सर्विसेज से लेके फूड वगैरह सब कुछ बहुत सही है। तो अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो यार यहाँ आओ, आराम से रुको, और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे। मतलब इतना सीनिक है, आपको रिवर व्यू भी मिल जाएगा, देन ये प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है, और यहाँ से पहलगाम मार्केट बस 1 किलोमीटर है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, आप लोग वहाँ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से यार लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह किसी अमेजिंग रिसोर्ट में। सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।